गुजरात के वडोदरा में इस सीजन में तीसरी बार मंडरा रहा बाढ़ का खतरा फिलहाल टल गया है। रविवार को वडोदरा में धुआंधार बारिश हुई थी और ऊपरी इलाकों में भी पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश के चलते शनिवार और रविवार को लगातार विश्वामित्री नदी का जल स्तर बढ़ता रहा। आजवा सरोवर और प्रतापपुरा सरोवर का जल स्तर भी बढ़ता रहा, जिससे लोगों में एक ही सीजन में तीसरी बार बाढ़ की दहशत देखी गई। लेकिन पिछले 2 दिनों से बारिश नहीं हुई है और ऐसे में विश्वामित्री और आजवा का जल स्तर स्थिर रहने में पालिका और प्रशासन को सफलता मिली है। इस मामले वडोदरा के सिटी कमांड सेंटर पर मॉनिटरिंग के बाद वडोदरा के म्यू कमिश्नर और स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिश्री ने आजवा और प्रतापपुरा के दरवाजे फिलहाल नहीं खोलने का आश्वासन दिया है। 29 सितंबर को बड़ौदा में तेज बारिश हुआ, करीब 4.25 इंच बारिश, और आजवा का जो कैचमेंट एरिया है वहाँ पे भी काफ़ी बारिश था। उसकी वजह से विश्वामित्री का सपाटी करीब 25 फुट तक पहुँच गया और आजवा डैम का सपाटी जो वाटर लेवल है और जो हमारा रूल लेवल है 38 सितंबर तक का 212.50 फुट, वो भी पहुंच गया। फिर भी वडोदरा कॉरपोरेशन ने एक बोल्ड डिसीजन लिया और आजवा के दरवाजे और प्रतापपुरा के दरवाजे बंद ही रखे, जिसकी वजह से 25 फुट के बाद अगर आजवा का पानी छोड़ा होता तो ये पानी का लेवल करीब 30 फुट क्रॉस कर जाता। तो जो बड़ौदा के सारे धारा सभ्य श्री कमिश्नर मेयर और हम लोगों ने बैठ के जो डिसीजन लिया, उसकी वजह से हम पूर की स्थिति को टाल पाए और आज बारिश बंद होने की वजह से धीरे धीरे विश्वामित्री का लेवल काफ़ी सेफ लेवल तक पहुंच गया। अभी 20.40 फुट के आसपास विश्वामित्री नदी है और आजवा का डैम 213.39 है, जो हमको 15 अक्टूबर तक 213 का लेवल मेंटेन करना है। फिर भी 0.39 फीट हम आगे हैं और 30 सितंबर गिने हैं तो लेवल को 212.50 रखने की ज़रूरत है। आज कोई चेतावनी नहीं है, कुछ बारिश होने वाली नहीं है। मुझे लगता है इवनिंग तक विश्वामित्री का लेवल काफ़ी सेफ हो जाएगा, सभी नागरिक सेफ है और हम लोग बोल सकते हैं कि पूर्व की परिस्थिति से ऑलमोस्ट बाहर हो गए। अभी कोई नया हैवी स्पेल ऑफ रेन नहीं होता है तो कुछ चिंता की बात नहीं है, सभी नागरिकों को बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं। विश्वामित्री नदी का स्तर परसों जो 5 इंच बारिश गया और उसके पहले जो बारिश आया उसकी वजह से वो विश्वामित्री नदी का स्तर लगातार बढ़ रहा था। उस लगातार स्तर बढ़ने की वजह से वो अपने डेंजर लेवल से बाहर फ्लो कर रही थी, इसलिए जो लो लाइंग एरिया है, जो निचाण वाले विस्तार है हमारे, वहाँ पर पानी भरने का संकट था। और अगर ज़्यादा बारिश आए तो विश्वामित्री नदी अपनी 30 फुट तक भी पहुँचने की संभावना थी, इसलिए हमने लास्ट 2 साल से लोगों को अलर्ट पर रखा था। पर अभी ये खुशी के समाचार है कि विश्वामित्री नदी लास्ट 20 घंटे से अपना स्तर घटा रही है और लगभग 25 फुट से घटा के उसने 20.40 फुट तक आई है, मतलब 4 फुट से ज़्यादा विश्वामित्री नदी का लेवल नीचे गया है। बारिश की अभी संभावना बिल्कुल न्यूनतम है और इन सब फैक्टर को कंसिडर करते हुए विश्वामित्री नदी और भी नीचे जाएगी। डैम का पानी हमने अभी तक नहीं छोड़ा, वो अपने रूल लेवल से ऊपर है। डैम का पानी इसलिए नहीं छोड़ा कि यदि हम पानी छोड़ते तो यहाँ पर ऑलरेडी विश्वामित्री नदी 25 पे थी, तो ज़्यादा पानी का बहाव बाहर की तरफ भी हो सकता था, इसलिए उसका डैम का पानी नहीं छोड़ा। अभी भी हम उसको डैम का पानी नहीं छोड़ रहे हैं। विश्वामित्री नदी का लेवल अभी भी 2-3 फुट 4 फुट नीचे जाएगा, फिर परिस्थिति देख के हम डैम का पानी रिलीज़ करेंगे ताकि विश्वामित्री नदी इसी लेवल पे फ्लो होकर निकल जाए और किसी को भी कोई भी प्रकार की दिक्कत ना हो, पानी कहीं भी भराव ना हो। ये सब फैक्टर कंसिडर करते हुए अभी जो हमारा अलर्ट था वो अब अलर्ट नहीं है और अब निचाण वाले विस्तार का अलर्ट था वो भी अब नहीं रहा और अभी हम सेफ जोन में हैं।